देखिए मेल और फीमेल को फीडिंग करा रहा है कितना अच्छे तरीके से। गाजर और खीरा वो रेमो कलर में आ रहा है दोस्तों, एकदम बारीक से कट जाए क्योंकि ये ठंडी गिजा है, गर्मा स्टार्ट हो गए। देने वाला हूँ कैरेट और खीरा। ये लोग अपनी छोटी भी निकल चुकी है बाहर, वो तेज हो गए। अपने को अब ठंडे गिजाएं थे और खीरा दिए थे वो फिनिश कर चुके हैं, एंडिंग पे है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मामा रैबिट ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चिड़ियों को बजीज को खाने में क्या दे रहा हूँ, सॉफ्ट फूड के जरिए मैं आज देने वाला हूँ कैरेट और खीरा, क्योंकि आज मार्च का महीना स्टार्ट होने वाला है, फरवरी और जनवरी खत्म हो गया। अब अपन फरवरी जनवरी में जो आइटम्स देते थे वो अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गर्मा बहुत बढ़ गए, धूपा बहुत तेज हो गए। अपने को अब ठंडे गिजाएँ देना चाहिए ताकि चूड़ियों को सूखे की बीमारी से बचा सके अपन, क्योंकि सूखे की बीमारी जो एक बार लग जाती है ना दोस्तों फिर के नहीं जाती, हो जानवर को ले लेके ही जाती, जानवर मरने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आज बताने वाला हूँ सॉफ्ट फूड में क्या क्या देना चाहिए और थोड़े बहुत टिप्स भी दूंगा, जैसे कि बीमारी से बचा। जर और खीरा ये दोनों को अच्छी तरह से बारीक बारीक से कर लेने चाहिए, जैसे कि खोपरे को लगड़ते हैं ना वैसा करके अपन छोटा छोटा कर देना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग पूरा एकदम बारीक से कट जाए, क्योंकि ये ठंडी गिजा है, गर्मा स्टार्ट हो गए, गर्मा के मौसम में अपने को हफ्ते में दो दिन देना चाहिए, ये कंपलसरी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हफ्ते में दो दिन ज़रूर देना चाहिए क्योंकि ठंडी गिजा है। ये कितना भूखे है और ये कितने अच्छे शौक से खा रहे हैं, क्योंकि गर्मा का मौसम स्टार्ट हो गया है दोस्तों। मैं गाजर और खीरा दे चुका हूँ, कितने अच्छे से उतर गए देख सकते हो दोस्तों, पूरे खाने लगे। कॉलोनी के अंदर तो आ चुका हूँ, आज मैं पानी में दे रहा हूँ इन्हें विमरल। ये विमरल मल्टी विटामिन है दोस्तों, ये पानी में देना चाहिए, एक लीटर पानी में दो से तीन बूंद देना चाहिए, क्योंकि अपने बर्ड्स को मल्टी विटामिन की कमी हो जाती है, वो कमी को पूरा करता है। ये विमरल है दोस्तों, अपने जानवरों के मेडिकल पर मिल जाता है, एनिमल मेडिकल शॉप पर मिल जाता है, इसे आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है ताकि मल्टी विटामिन को पूरा कर सके दोस्तों, ये परचेस करो दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसे परचेस करके अपन पानी में दे सकते हैं दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों मैं थोड़ा सा ले लिया हूँ, ये वन लीटर पानी में कम से कम चार से पाँच बूंद देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बहुत हार्ड मेडिसिन होती है, चार से पाँच बूंद देना चाहिए दोस्तों। एक दो तीन चार इतना ही देना है दोस्तों, ज़्यादा देने से बग्गी इसको मरने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड मेडिसिन है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगा, अब देखो सारे के सारे उतर जाएंगे, ये देखो सारे पीने लग चुके हैं। मैं इतना नज़दीक बैठा हूँ तो भी ये उतर के पी रहे हैं। अगर फीडिंग करा रही है अपने बच्चों को, कितने प्यारे हैं देख सकते हो आप लोग, खाने लग चुके हैं दोस्तों और पानी भी पीने लग चुके हैं। बहुत शौक से खाते हैं सॉफ्ट फूड में गाजर और खीरा, क्योंकि गर्मा बहुत तेज़ हो गया है दोस्तों, गर्मा के खातिर उसमें पानी मिलता है, लोगों को पानी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है ठीक तरीके से, इसमें सूखे की बीमारी से बच सकते हैं दोस्तों। इतनी बड़ी है दोस्तों, छोटी को तो आपको मैं शॉर्ट्स वीडियो में बता चुका हूँ, ये बड़ी है, बड़ी के साथ सात बच्चे हैं, देखो कितने प्योर है बच्चे देख सकते हैं दोस्तों, ये एक महीना आठ दिन के बच्चे हैं दोस्तों, इनकी क्वालिटी चेक करो दोस्तों, काले पाँव काले आँख काली चोंच और इनकी बॉडी भी काली होती है दोस्तों, इसको पचाका के कहते हैं। ये इनकी मदर है, प्योर क्वालिटी में है एकदम, देख सकते हो इसकी चोंच, इसकी गर्दन और इसके पंजे देख सकते हो दोस्तों, सारे प्योर क्वालिटी में है दोस्तों बच्चों। ये देखो ये बच्चा देखो कितना प्यारा है, चेक करो दोस्तों कितनी प्यारी है, एकदम प्योर। ये देखो अपनी छोटी भी निकल चुकी है बाहर, एक दो तीन, ये तीन मुर्गे हैं, ये अपना टाइगर लाइन का मुर्गा है, ये सारी टाइगर लाइन से आ रही है दोस्तों, प्योर पचाका की।
देख सकते हो वो पीछे वाली मुर्गी को थोड़ा वो बच्चे वाली मुर्गी मार मार के उसका बुर निकाल दिए। बाकी ये दो बच्चे भी एकदम एक गुबा में निकल रही है, प्योर पचाकगी में है, गुबा में पचाकगी ये भी है, और ये अपना टाइगर लाइन का मुर्गा है देख सकते हो दोस्तों, एकदम प्योर क्वालिटी। और वो दो पाटा तो 6-6 महीने के हो चुके हैं दोस्तों, अभी 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा तब जाके वो अंडे देंगे। और वो पीछे वाली मुर्गी अब अंडे चालू कर चुकी है दोस्तों, कल ही उसका पहला अंडा आया, दूसरा अंडा आ जाएगा इंशाल्लाह। ये अपना मुर्गा है प्योर पचा का टाइगर लाइन से आ रहा है। इसका बाप बहुत ज़्यादा फाइटर था दोस्तों, 2-3 बाजियाँ मार चुका है, 2-3 बार इन्हें चैम्पियन रह चुका है इसका बाप। अब इसका बेटे को देखते हैं इसके बच्चे कैसे निकलते हैं, इनकी क्वालिटी चेक करेंगे। आपको जो भी बच्चे देखा है मैं इसी के बच्चे हैं दोस्तों, ये चेक करो, ये गुबा मुर्गी चेक करो दोस्तों कितनी अच्छी है, एकदम प्योर क्वालिटी है दोस्तों। चेक करो दोस्तों अपन कितना सारा गाजर और खीरा दिए थे, वो फिनिश कर चुके हैं, एंडिंग पे है। जस्ट मैं अंदर आया तो पूरे उड़ के ऊपर चले गए दोस्तों, और अपने मदर और फादर तो अपने बच्चों को फीडिंग कराने के लिए मटकों में भी चले चुके हैं। अपन दे देते हैं इन्हें थोड़ा सा दाना, ये देखिए मेल और फीमेल को फीडिंग करा रहा है कितना अच्छा तरीके से। जो मेल है वो रेनबो कलर में आ रहा है दोस्तों, बहुत सारे कलर से उसके ऊपर देख सकते हैं, शेडिंग येलो है, ग्रीन है, स्काई ब्लू है, और उसके पर्रों के ऊपर भी देख सकते हो 2-3 कलर का मिक्स है। अपने वीडियो के जरिए से यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो जो नया शौक शुरू करे वो कहते हैं कि मेरे बर्ड्स तो मर चुके हैं, मेरे बर्ड्स को बीमारी हो चुकी है, मेरे बर्ड्स को ये हो चुका है, इस तरह वो अपना शौक ख़त्म कर देते हैं, वो हार मान जाते हैं दोस्तों। मैं अपनी वीडियो से यही सिखाना चाहता हूँ छोटे छोटे टिप्स देकर कि अपने बर्ड्स को कैसा पाले और कैसा रखे, कैसा देखभाल करें उन लोग की, क्योंकि ये मासूम से जानवर होते हैं, इन लोग को कुछ नहीं पता होता है, अपने को तो पता ही नहीं होता है कि इनकी क्या ज़रूरत है, इनकी क्या ज़रूरत अपने को पूरी करना चाहिए, इसलिए मैं ये सारे चीज़ें दिखाता हूँ दोस्तों। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, जो लोग बर्ड्स पाल रहे हैं उन लोगों को जानकारी नहीं होती, वो लोग को भी जानकारी हो चुकी होंगी दोस्तों। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे पूछते हैं कि मैं कल ही मार्केट से अपने बर्ड्स लेके आया और वो आज मर चुके हैं, इसका कारण एक ही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में जो भी बर्ड्स आते हैं वो एक जगह से नहीं आते हैं, 2-3 जगह से फिर के उसमें आ जाते हैं दोस्तों, और उसमें एक को बीमारी रहने से सारे बर्ड्स को बीमारी लग जाती है, वायरस पहुँच जाता है दोस्तों। आप जो खरीद के लाते हैं उसके बाद में धीरे धीरे वो सूखे की बीमारी में होने, मोशन की बीमारी होने, या फीवर में आकर वो मर जाता है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास से बर्ड्स खरीदो, आप जिधर से भी खरीदोगे लेकिन देख समझ के खरीदो, उसको मोशंस ना लगे, उसको बीमारी ना हो सके, आप केज के सामने जाके थोड़ी देर वेट करके चेक करो दोस्तों, उसे कुछ बीमारी ना हो तभी आप परचेस करो दोस्तों। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रहा हूँ दोस्तों, आपके बर्ड्स को किसी तरह की प्रॉब्लम हो गए तो मुझे व्हाट्सअप पर कॉल करो, व्हाट्सअप पर मैसेज करो, मैं आप लोगों का मैसेज ज़रूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वायरस और बीमारी इसी क्लीन नहीं रखने से बीमारी फैलती है दोस्तों। अपनी कॉलोनी में क्लीन रखो दोस्तों, जितना क्लीन हो सके उतना, हफ्ते में वीकली 1 टाइम अपनी कॉलोनी को क्लीन करो, और उनके खाने पीने का जो भी सामान टब वगैरह रहता है उसको भी क्लीन करो दोस्तों, क्योंकि क्लीन नहीं करने से ही बीमारी फैलेगी। मेरे वीडियो के जरिए से यही सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ताकि अपने बर्ड्स को ऐसे ही पालना चाहिए, अपने शौक को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को पहुँचाना चाहिए। अपने वीडियो से मैं यही सिखाता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगे, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो जो सब्सक्राइब करे बेल आइकन को प्रेस कर दो दोस्तों, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएंगे, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सिद्धि पेट वाला अंटर रहा बाबो, सीधा सिद्धि पेट से दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय।